हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? माय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पे। माय फ्रेंड्स, आज हम इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं आपके लिए स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर के कंपैरिजन के बारे में। हमसे स्टूडेंट्स जो है लगातार दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए क्वेरी ले रहे हैं, दोनों यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछ रहे हैं, तो आज हम आपको एक कंपैरिजन बनाकर देते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज के बीच में कौन सी यूनिवर्सिटीज बेटर है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको क्या फैसिलिटी मिलती है। बने रहिए हमारे साथ में। माय फ्रेंड्स, दोनों ही यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हैं, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का दोनों के पास में ही अप्रूवल है, दोनों ही यूनिवर्सिटी 2008 में ओपन हुई है, दोनों की ही जो नेट रेटिंग है वो ए है, दोनों ही यूनिवर्सिटी अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। अब बात करते हैं इनके एग्जामिनेशन मोड की। माय फ्रेंड्स, जो सुभारती यूनिवर्सिटी है, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ है, ये ऑफलाइन एग्जाम करवाती है, और जो सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी है वो ऑनलाइन एग्जाम करवाती है। ऑनलाइन एग्जाम करवाने का मतलब ये है कि आप भारत के किसी भी कोने में हैं, आप अपने ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक LMS बना हुआ होता है, जिसमें आपको आपका एक लॉगिन ID और पासवर्ड मिलता है, उसमें आप जाते हैं, आप अपनी सारी डिटेल्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर एडमिट कार्ड, ID कार्ड, जो आपका रिजल्ट आता है वो भी उसी में आता है, और उसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं रिकॉर्ड करके दिए हुए होते हैं। आप किसी भी समय में जब आप फ्री हो, अपना लॉगिन करके अपने लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस से काफ़ी अच्छी सारी नॉलेज होती है। जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसी LMS में आपके एग्ज़ाम्स भी हो जाते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। जो स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ है, ये पहले से लेके अभी तक ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम करवाती है। जब कोविड होता है, जब कोविड बढ़ गया था, उस समय पे यूनिवर्सिटी ने ऑप्शनल वाले एग्जाम्स करवाए थे, मोड तो उसका भी ऑनलाइन ही था, बट यूनिवर्सिटी ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पाई थी। बट हाँ, जो है स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं हुई थी, यूनिवर्सिटी ने बच्चों को मैक्सिमम एज पर UGC गाइडलाइंस पास कर दिया था। और बात करें हम इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ की रेपुटेशन की, तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी इसकी रेपुटेशन है। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी का रिजल्ट प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, रिजल्ट इसका एकदम टाइम से नहीं आता है, एग्जाम्स भी कई बार डिले हो जाते हैं, और रिजल्ट्स कई बार बच्चों का लंबे समय तक अंडर प्रोसेस शो होता है। बट अगर आप अपनी चीज़ें टाइमली सब कुछ जमा कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यूनिवर्सिटी के साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी जाते हैं, अप्रोच करते हैं, तो यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है वो अच्छा है, आपको अप्रोच करता है, आपकी मेल्स का भी रिप्लाई आपको करता है। माय फ्रेंड, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी की बात हम आपसे करें, तो हम ऐसा नहीं बोल रहे कि इसका रिजल्ट भी बिल्कुल टाइमली है, बट हाँ ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। ये अपना सारा का सारा जो इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो अच्छा है, सेम डे एग्जाम हो जाते हैं बच्चे के, रिजल्ट भी टाइम पे है। लेकिन जो बड़ा डिफरेंस है दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच में, वो फीस का है। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी जो मेरठ है वो काफ़ी सस्ती है। अगर हम इसकी MBA फीस की बात करें तो 10,000 रुपये पर सेमेस्टर इसकी फीस है, एग्जामिनेशन फीस वगैरह सब कुछ मिला मिलो के 45-46 के आसपास की इसकी फीस पड़ रही है, अभी तक की जो पुराना सेशन है। और जो सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी है, उसकी एज कंपेरिजन टू स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा फीस है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ ने भी अपनी फीस बढ़ा दी है, और अपनी वेबसाइट पे इसने बढ़ी हुई फीस को अपलोड भी कर दिया था। बट फिलहाल उसने जो है अभी इस सेशन के लिए, फिलहाल जो ये फ्रेश सेशन है, इसके लिए अपनी बढ़ी हुई फीस को रोक दिया है। यूनिवर्सिटी बहुत ही जल्दी जो है, जो MBA की जो फीस रहेगी आपकी 15,000 से 20,000 रुपये पर सेमेस्टर तक पहुंचने वाली है। सेम ऐसा हर कोर्स के साथ में यूनिवर्सिटी जो है 30% के आसपास हाइक करने वाली है। यूनिवर्सिटी ने इसको अपलोड भी कर दिया था, बट फिलहाल इस सेशन की वजह से यूनिवर्सिटी ने हटा लिया है। बहुत ही जल्दी यूनिवर्सिटी जो है अपनी नई जो है एग्ज़ाम फीस वगैरह जो है, नई कोर्स फीस जो है वो अपलोड कर देगी, और नेक्स्ट सेशन में आपकी वही फीस रहेगी। माय फ्रेंड्स, अगर आप के बिना बढ़ी हुई फीस के साथ में, पुरानी फीस के साथ में अगर आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमसे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो हमने आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहे हैं, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन के लिए असिस्टेंट चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माय फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको हमारे आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर हम आपके पास में आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।